हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल ट्रेडर जोन में। आज हम बात करने वाले हैं ट्राइडेंट के बारे में। आपके मन में एक सवाल आएगा, नेक्स्ट मंथ यानी कि जनवरी से जीएसटी को इंक्रीज़ किया जा रहा है, लेकिन ट्राइडेंट ने अपर सर्किट किस लिए लगा दिया है? अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा है तो इस वीडियो में आपको इसका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि एक लेटेस्ट न्यूज़ निकल कर आई है जिसके चलते दोबारा से ट्राइडेंट ने अपर सर्किट लगा दिया है। क्या लेटेस्ट न्यूज़ निकल कर आई है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, और जिस तरह की डिलीवरी उठाई गई है और जिस तरह का डेटा निकल कर आया है उसे देखने के बाद बेचने की गलती बिल्कुल भी मत करना। अगर आपने ट्राइडेंट के शेयर बेच दिए तो आप बहुत पछताने वाले हो। आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्या लेटेस्ट न्यूज़ निकल कर आई है और जो अपर सर्किट लगा है वो कितने दिन रह सकता है, जो शेयर होल्डर्स होल्ड करके बैठे हुए हैं उन्हें क्या करना चाहिए, और जो फ्रेश बाइंग करना चाह रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए। आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आप ट्राइडेंट के शेयर होल्ड करते हैं तो एंड तक बने रहिए। उससे पहले फ्रेंड्स, एक रिमाइंडर देना चाहता हूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि आपको इसी तरह की लेटेस्ट न्यूज़ और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिले। सबसे पहले तो हम आज का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। इसने क्लोजिंग दी है 53.90 रुपीज़ पर। अगर हम परसेंटेज में देखें तो 4.97% की एक बहुत ही अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। अगर आप इस लाइन को देखेंगे फ्रेंड्स, तो इसे आपको पता चलता है कि शेयर होल्डर्स में बिल्कुल भी फियर नहीं है, क्योंकि जिस तरह की न्यूज़ निकल कर आई है वो काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, और मुझे लगता है कि इस बार ये 60 रुपीज़ के पार भी जाता हुआ दिख सकता है। ये ओपन हुआ था 52 रुपीज़ पर, यह हाई लगाया 53.90 रुपीज़ और लो लगाया 52 रुपीज़। चलिए अब हम NSE पर भी देख लेते हैं कैसा कारोबार है। यहाँ आप देख सकते हैं 45,44,000 के बाय ऑर्डर्स लगे हुए हैं, लेकिन कोई सेल करने के लिए रेडी नहीं है। अगर हम क्वांटिटी ट्रेडेड देखें तो 46,12,000 की क्वांटिटी ट्रेड हुई है और 42,15,000 की डिलीवरी उठाई गई है। परसेंटेज में देखें तो 91.39% की डिलीवरी उठाई गई है। काफ़ी दिनों के बाद इतने परसेंटेज की डिलीवरी उठाई गई है, और आप बाई ऑर्डर सेल ऑर्डर में देख सकते हैं लगभग 45,44,000 के बाई ऑर्डर्स लगे हुए हैं अभी भी, लेकिन सेल करने के लिए कोई रेडी नहीं है। चलिए अब हम BSE पर भी देख लेते हैं। यहाँ क्वांटिटी ट्रेडेड है 14,60,000 की क्वांटिटी ट्रेड हुई है और 13,92,000 की डिलीवरी ढाई गई है। परसेंटेज में देखें तो 95.36% की डिलीवरी ढाई गई है, यानी कि NSE और BSE पर 90+ की डिलीवरी ढाई गई है। फ्रेंड्स, इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले 3 से 4 दिन इसमें अपर सर्किट दोबारा से लगता हुआ दिख सकता है। चलिए अब हम चार्ट पर देख लेते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न क्या दर्शा रहा है और सभी टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं। अगर आप ये लास्ट वाली कैंडल को देखें, एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाया है, और MACD पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है, RSI भी पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है, विलियम परसेंटेज ओवरसोल्ड की जोन से हटकर ऊपर की तरफ जा रहा है। फ्रेंड्स, इस समय सभी इंडिकेटर्स पॉजिटिव इंडिकेट कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि जो अपना 60 रुपीज़ का 52 वीक हाई बनाया है उसे भी ब्रेक करता हुआ दिख सकता है जल्द से जल्द ट्राइडेंट। चलिए अब हम देख लेते हैं क्या न्यूज़ निकल कर आई है जिसकी वजह से आपको एक बड़ी तेज़ी दिखने को मिली है ट्राइडेंट में। यहाँ आप देख सकते हैं डेट है 27 दिसंबर 2021, और आप यहाँ न्यूज़ पढ़ सकते हैं। परसुएंट टू द रेगुलेशन 57 ऑफ द SEBI लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशन 2015, वी हियर बाय इन्फॉर्म यू दैट 1250 सीनियर सिक्योर्ड रेटेड लिस्टेड रिडीमेबल नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 10 लैक्स ओनली ईच अग्रीगेटिंग टू INR 1250 मिलियन आर आउटस्टैंडिंग एज ऑन डेट, एंड द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑन दीज डिबेंचर्स आर पेएबल ड्यूरिंग द क्वार्टर एंड March 31, 2022। इसका अर्थ ये है SEBI के रूल के अनुसार कोई भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट होता है उसे डिस्क्लोज करना होता है। तो 1250 सीनियर सिक्योर्ड रेटेड लिस्टेड रिडीमेबल नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जिसकी फेस वैल्यू है 10 लाख पर डिबेंचर, और उस तरह के 1250 यानी कि पर डिबेंचर का रेट है 10 लाख, उस तरह के 1250 डिबेंचर्स है जिसके फेस वैल्यू है 10 लाख ईच, यानी कि इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो 1250 मिलियन होते हैं, जो कि आउटस्टैंडिंग है आज की तारीख में, जिसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट March 31, 2022 तक पेबल है। तो यहाँ पे एक बड़ा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है कंपनी को, और इसका असर आपको शेयर पर भी देखने को मिला। तो ये एक बड़ी गुड न्यूज़ है। अगर आपने ट्राइडेंट का शेयर होल्ड करके रखा है तो इसे होल्ड करके चलिए।
इस न्यूज़ के चलते आपको 3 से 4 दिन अपर सर्किट लगाता हुआ दिख सकता है ट्राइडेंट। चलिए अब हम नेक्स्ट न्यूज़ भी देख लेते हैं क्या निकल कर आई है। न्यू GST रेट्स ऑन टेक्सटाइल लाइकली फ्रॉम जनवरी। जैसा कि आपको पता ही है, January 1st से नए GST के रेट्स लागू हो जाएंगे जो कि 12% है। पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री को 5% GST पे करना पड़ता था, लेकिन अभी नए अपडेट के अनुसार 12% का GST पे करना होगा। लगातार कई स्टेट्स में स्ट्राइक्स हो रहे हैं और टेक्सटाइल मिनिस्ट्री से बात हो रही है कि इसे घटाया जाए, क्योंकि ये एक काइंड ऑफ बर्डन रहेगा MSMEs यानी कि छोटे मैन्युफैक्चरर्स को। फ्रेंड्स, जिस तरह की तेज़ी बताया है ट्राइडेंट ने पिछले क्वार्टर के मुकाबले, इस क्वार्टर में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है ट्राइडेंट में, और नेक्स्ट मंथ क्वार्टरली रिजल्ट भी पोस्ट करेगा ट्राइडेंट। और मुझे लगता है कि इस क्वार्टर भी ये अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देगा और बोनस भी देगा। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप ट्राइडेंट के शेयर होल्ड करते हैं और आप प्रॉफिट में हैं तो भी कमेंट करके बताइएगा। इस न्यूज़ के चलते आपको ट्राइडेंट में एक बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है, और जिस तरह का डेटा निकल कर आया है फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि 3 से 4 दिन आपको ये अपर सर्किट लगाता हुआ दिख सकता है। और जिसका विजन लॉन्ग टर्म का है यानी कि 3 to 5 years का है, तो इसे होल्ड करके चलिए, आपको ट्राइडेंट 130-150 के पार भी जाता हुआ दिख सकता है। फ्रेंड्स, ये तो मेरे व्यूज़ थे। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेकर इन्वेस्ट कीजिए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव दिखा तो लाइक कर इनक्रेज करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि आपको इसी तरह की लेटेस्ट न्यूज़ और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिले।